हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का, जिसमें एक तो क्वेश्चन आता है सॉल्व बाय यूजिंग द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जिसमें हम लोग एक इक्वेशन दिया रहेगा डी स्क्वायर प्लस फोर ब्रैकेट में वाई इज इक्वल टू फोर टेन टू एक्स। तो इसमें हम लोग को एक तरीका रहता है, जिसमें हम लोग को एक साइड में बता दे रहा हूँ आपको, वाई निकालना रहता है टोटल वाई, जिसका वैल्यू होता है वाई सी प्लस वाई पी। अगर आपको इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में डाउट है तो आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे कि एक्चुअल में हम लोग को करना क्या होता है। तो इसमें हम लोग को वाई इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी निकालना होता है। तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि वाई सी कैसे निकालते हैं और वाई पी कैसे निकालते हैं। फिर ये जब ये दोनों निकल जाएंगे तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपका वाई का वैल्यू आ जाएगा। तो जो इक्वेशन है, सॉल्यूशन यहाँ बनाता हूँ मैं। तो ये इक्वेशन जो है, हियर इक्वेशन इज किसमें दिया है, डी स्क्वायर प्लस फोर वाई इज इक्वल टू फोर टेन टू एक्स, इस फॉर्म में दिया है। तो ये जो वैल्यू है डी स्क्वायर प्लस फोर, इसको यहाँ हम लोग एम स्क्वायर प्लस फोर ले करके एज्यूम करके चलेंगे। इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, एम स्क्वायर प्लस फोर लाएंगे। एम स्क्वायर फोर से हम लोग का एम का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस टू आई आ जाएगा। तो अभी हम लोग इससे हम लोग का इजीली वाई सी निकल जाएगा। वाई सी निकालना बहुत इजी होता है, वाई सी का वैल्यू आ जाएगा सी वन, ये एक तरीका है आप याद रख लीजिएगा, सी वन एक्स कॉस, और ये वैल्यू टू है। अगर यहाँ पे वन होता तो नॉर्मल एक्स होता, अगर ये, लेकिन यहाँ वैल्यू क्या है, टू है, तो टू एक्स हो जाएगा, प्लस सी टू एक्स साइन आ जाएगा यहाँ टू एक्स। ये टू का प्लस माइनस में है, तो एक बार प्लस में हम लोग का टू एक्स, और साइन जब माइनस रहेगा तो यहाँ पे टू है, साइन के साथ टू एक्स रहेगा। क्योंकि और ये हम लोग को कॉस और साइन इसलिए लिए हैं क्योंकि ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी में कॉस और साइन आ जाता है। तो ये वाई सी का वैल्यू हम लोग को मिल गया, और वैसे ही अब हम लोग को क्या निकालना है, वाई पी निकालना है। तो वाई पी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका भी एक तरीका है जिसमें हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा वाई वन का वैल्यू कॉस टू एक्स, वाई टू का वैल्यू साइन टू एक्स। ये वाई वन वाई टू का आ गया। वाई वन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, वाई वन डैश टू साइन टू एक्स, और वाई टू को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वाई टू डैश क्या आ जाएगा, टू कॉस टू एक्स, ये आएगा हमारा। अब यहाँ पे एक और तरीका, मतलब कि कुछ कुछ प्रोसेस हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे कि पहले हम लोग इस वैल्यू को हम लोग वाई वन लिए, और इस वैल्यू को हम लोग वाई टू लिए, फिर y1 का डिफरेंशिएशन किए, फिर y2 का डिफरेंशिएशन किए, और अब क्या करना है, एक तरीका है w इज इक्वल टू y1 y2 y1 डैश y2 डैश, ये हमें करना है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, cos 2x sin 2x माइनस टू sin 2x टू cos 2x। अच्छा, ये इसका डिफरेंशिएशन माइनस रहेगा ना, यहाँ पे हमारा ये आ गया। फिर इसको हम लोग को डिटर्मिनेंट करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे कि डिटर्मिनेंट का साइन भी है, तो डिटर्मिनेंट का साइन बना करके हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, टू कॉस स्क्वायर टू एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर टू एक्स इक्वल टू टू। अब इस वैल्यू को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, टू कॉमन निकाल के ये हमारा कॉस स्क्वायर टू एक्स प्लस साइन स्क्वायर 2x ये आ जाएगा। अब हम लोग को तो पता है कि एक आप आइडेंटिटी आपको पता ही होगा, जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 2 इंटू वन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी 2 इंटू टू, 2 इंटू वन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा ये आ गया w, तो w का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। अब एक फार्मूला है yp निकालने का, yp निकालना है, जैसे कि हम लोग yc निकाल चुके हैं, ये हमारा yc था। अब वाई पी निकालना है तो एक फार्मूला रहता है, माइनस वाई वन इंटीग्रेशन ऑफ वाई टू एक्स अपॉन, मैं आपको एक्स का वैल्यू बता रहा हूँ क्या होता है, डी एक्स, ये डब्ल्यू हमारा ये वाला डब्ल्यू है, प्लस वाई टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई वन एक्स अपॉन डब्ल्यू डी एक्स, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू। तो अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, y1 का वैल्यू क्या है, cos 2x है, तो इसको हम माइनस cos 2x कर देंगे, फिर इंटीग्रेशन में sin 2x, y2 का वैल्यू से ये है,
और ये x जो है ये हमारा x है, ये वैल्यू x है, इसे आप x कंसिडर करिएगा। जब भी आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो इस वैल्यू को x कंसिडर करिएगा, कभी भी आप जब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर निकालना हुआ तो। तो इसमें हम लोग 4 tan 2x वैल्यू पुट कर देंगे अपॉन 2 dx। अब इस टर्म को लाना है, y2 हमारा क्या है, sin 2x है, फिर इंटीग्रेशन करना है किसको, cos 2x, 4 tan, y1 का वैल्यू क्या है, cos 2x है, फिर 4 tan 2x, ये हमारा x का वैल्यू है, अपॉन 2 dx, ये हो गया। उसके बाद फिर अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई में हमारा आ जाएगा -2 cos 2x, और इसको जब इंटरनल सिंप्लीफिकेशन होगा तो sin² 2x अपॉन cos 2x ये हो जाएगा dx। ये अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता होगा तो इससे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसका इस वैल्यू का हो जाएगा 2 sin 2x और अंदर हो जाएगा sin 2x dx, ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता होगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और फिर जब फर्दर उसको आगे सिंप्लीफाई करना है तो आपका आ जाएगा -2 cos 2x, और अंदर जो हम लोगों का sin² 2x अपॉन cos 2x था उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके 1 cos² 2x अपॉन cos 2x ऐसा लिख सकते हैं, dx प्लस 2 sin 2x, और जो इंटीग्रेशन हम लोग sin 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, -cos 2x अपॉन 2। ये हमारा जो प्रीवियस में हम लोग जो इक्वेशन आया था उसको हम लोग को इस पार्ट को इंटीग्रेट कर दिए हैं, इसको एज इट इज़ छोड़ दिए हैं, फिर इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो -2 cos 2x इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sec, ये इंटीग्रेशन मोड में अभी भी है, sec 2x -cos 2x dx, ये माइनस साइन रहेगा, एक्चुअली ये माइनस बाहर निकल जाएगा, तो sin 2x cos 2x, क्योंकि ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो sin 2x और cos 2x, और यहाँ पे माइनस साइन बाहर आ गया, तो इस हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और इसको अगर आगे आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब कि अगर इसको आपको इंटीग्रेट करना है तो -2 cos 2x, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 log sec 2x प्लस 10 2x, इस पार्ट में आ जाएगा आपका। तो अगर आपको अगर वीडियो ब्लर होगा हुआ होगा तो इसके लिए सॉरी, लेकिन अब देख लीजिए फोकस हो गया होगा, तो अब आप आगे इक्वेशन इसको समझ सकते हैं, 10 2x हो गया होगा, फिर यहाँ से -sin 2x/2, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, और इसको हम लोग एज इट इज sin 2x cos 2x, ये हमारा हो जाएगा इस वैल्यू का पार्ट। और अब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, -cos 2x इंटू log 1/2, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो log बचेगा, sec 2x प्लस 10 2x हमारा ऐसा हो जाएगा, और फिर प्लस sin 2x cos 2x, -sin 2x cos 2x, इसको अगर आप आगे सिंप्लीफाई करिएगा तो इस फॉर्म में आएगा। फिर ये आप देख सकते हैं, ये और ये टर्म सेम है, sin 2x cos 2x, sin 2x cos 2x, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचा हुआ टर्म क्या रहा, ये हमारा बचा हुआ टर्म है। तो इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, yp लिख सकते हैं, yp इज इक्वल टू -cos 2x इंटू log sec 2x प्लस 10 2x, ये आ गया। अब जब अगर हम लोग को y निकालना है तो y का वैल्यू क्या होता है, yc प्लस yp होता है, तो yc का वैल्यू हम लोगों का क्या था, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, ये हमारा yc का वैल्यू था। अब yp का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, yp का वैल्यू डाल दीजिए cos 2x
इंटू लॉग सेक टू एक्स प्लस टेन टू एक्स, तो आ गया हमारा वाई का वैल्यू। इसी को बोलते हैं सॉल्व बाय द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इससे हम लोग का वाई निकल जाएगा। ये आपका M2 में अप्लाइड मैथमेटिक्स में 7 नंबर में पूछता ही पूछता है।